हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा स्पाई लीडर प्रतियोगिता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 18 वर्ष से 26 वर्ष के युवाओं ने लिया हिस्सा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा ये प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसमें 18 वर्ष से 26 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। इस कार्यक्रम का वीडियो वेट उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करता हुआ ये प्रतियोगिता बताया। उन्होंने कहा, ये कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, ये एक प्रतियोगिता है जिसको करने से युवाओं को काफ़ी मदद मिलेगा। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति ने ये भी बताया कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो और इंटरमीडिएट पास हो, वो इसमें अपना भाग्य आजमा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। या कोई कोर्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, मतलब केवल प्रोग्राम जो कम्पलीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस प्रोग्राम का नाम है इंस्पायर लीडर्स प्रोग्राम, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनिशिएट की गई है। और इसका उद्देश्य है कि जो यंग जो बच्चे हैं, उन लोगों की जिनकी उम्र 18 to 26 ईयर्स के ही बीच है, और जिन्होंने खासकर इंटरमीडिएट लेवल पर जिनको इंग्लिश की जानकारी है, और जो बच्चे जिनकी घरेलू आय 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो, वो जो है इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के द्वारा तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि इम्पावर्ड करना, जो युवा हैं उनको लीडरशिप की ओर इम्पावर्ड करना, खासकर वैसे युवा जो समाज के मतलब नीचे तबके के लोग हैं, जो ऊपर तक नहीं समझ सकते, जिसमें एक्सपोजर नहीं मिलता, जो ऊपर तक नहीं आ सकते, तो इन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम है। सो डैट इस प्रोग्राम के माध्यम से वो जान सकें, वो ट्रेनिंग ले सकें, ट्रेनिंग के बाद में उनको जो है कम्प्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। और 14 वीक के अलावे पर वीक जो है यह जो प्रोग्राम है 5 आवर्स का होगा। पर वीक प्रोग्राम जो है वो कितने देरों का, 5 आवर्स पर वीक, एक सप्ताह में 5 घंटे इसके जो है वो ट्रेनिंग होंगे। एमओयू करने की बात हो रही थी हार्वर्ड, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये चाहूँगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बात करके ना, इसके लिए हम अलग से भी प्रयास करेंगे, विश्वविद्यालय प्रयास करेगी कि इसे एमओयू करें, चूँकि यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और भी प्रोग्राम रहते हैं, नहीं समझे, इस प्रोग्राम के अलावे और भी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स रहते हैं खासकर, है ना, उसके अंतर्गत मैंने कहा है लीडरशिप कोर्स होता है, इसके लिए हम बता रहे हैं। यह भी एक तरह का लीडरशिप कोर्स है। लीडरशिप का मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों में वो भावना कि जो यहाँ से पास हो, डिग्री लें, तो वो कैसे समाज का नेतृत्व कर सकते हैं, यह इसका हाइलाइट्स है। पहला तो मैं बताना चाहता हूँ, लिखेगा कि हु इज एलिजिबल, कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन विद्यार्थी है जो इसमें आ सकता है, तो उसका सर्टेन लिमिटेशन है, वही आ सकता है। पहले तो वो व्यक्ति आ सकता है जो कॉलेज स्टूडेंट, फर्स्ट जनरेशन कॉलेज स्टूडेंट। दूसरा है जिनकी उम्र सीमा है 18 to 26 ईयर्स, उसको उम्र जो है वो 18 से 26 साल, नेचुरली है कि यंग है। तीसरी बात है कि उसका हाउस होल्ड इनकम जो है, आय, वो 8 लाख से कम होना चाहिए, बोले थे ना, इसलिए बोल रहा है कि नीचे के लोगों को ऊपर उठाने के लिए ये प्रोग्राम है, एक्सपोजर देने के लिए। जिनकी इनकम 8 लाख से कम होने चाहिए, जिनके घरेलू इनकम, घर का आय। और उसके बाद में कहता है कि इंटरमीडिएट लेवल इंग्लिश स्किल्स, इंटरमीडिएट में कम से कम उसने इंग्लिश पढ़ा है कंपल्सरी, बाकी दूसरे अगर नहीं पढ़ा है तो वो बच्चे छट जाए, वो बच्चे छट जाएंगे, इसमें नहीं है सर। अभी ऑनलाइन प्रोग्राम है तो आप पूछेंगे कि यह प्रोग्राम है कितने दिनों का, तो ऑनलाइन जो यह प्रोग्राम है यह 14 वीक्स है, 14 सप्ताह, यानी कितना दिन हुआ प्रतिदिन, कितना हुआ 14 सप्ताह, 14 वीक्स,
इसमें अगर 26 ईयर मैंने कोई स्टूडेंट है कि मतलब भाग तो ले सकता हमारे स्टूडेंट इसमें कार्ड में, और कोई कोई ऐसा भी व्यक्ति रहता है जिसको हम जानते हैं कि हमको मैनेजेरियल स्किल सीखना है, मतलब कैसे मैनेजमेंट करें, ये सारा करें, काम कर रहे हैं दूसरा है ना, लेकिन यहाँ ना प्रचलन है कि ये काम करता हुआ ही करता है, विदेशों में ऐसी बात नहीं होती, आप पढ़ भी रहे हैं डिग्री ले रहे हैं, और जैसे हम लोग कैसे सर्टिफिकेट कोर्स लाते हैं इसी तरह का, अगर कोई वैसे लोग भी भाग ले सकते जैसे हमारे टीचर भी भाग ले सकते, लेकिन एज लिमिट 26 साल के अंदर होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट कोई भी व्यक्ति आप लोग भी को ले सकते हैं। नौकरी पैसा वाले लोग इम्पावर मैंने सशक्त किया जा सकता है, आज के युग में कौन इम्पावर्ड है, वो इम्पावर्ड है जिसको नॉलेज है, वो इम्पावर्ड नहीं है जिसको बहुत ताकत है, जितना ज्यादा नॉलेज उतना ही ज्यादा इम्पावर्ड। हम लोग तो पढ़ाई के माध्यम से बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, डिग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन हम अपने आप को उस समय महसूस करते हैं जब हमें लोगों के बीच में अच्छी सोसाइटी में अच्छे लोगों को बात करने में जब मौका मिलता है, खासकर बिहार के लोगों को, जब बिहार के लोग दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, छोड़ दीजिए उस यूनिवर्सिटी में ही जा करके वो साई नेचर का बना रहता है, उसके पास सब्जेक्ट का ज्ञान होता है, वह विद्वान होता है, वही लड़का हमारे यहाँ IAS IPS और डॉक्टर भी बन रहा है। नो अवर मीन्स व्यक्तिगत ताकत, और खासकर उन लोगों की ताकत को बढ़ाना है जो व्यक्ति जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम जारी किया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में मैं ये बता रहा हूँ कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, और जिससे कि वैसे जो वंचित बच्चे बच्चे जो निम्न तबके के बच्चे हैं जिनमें हीन भावना है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं, जो समाज नेतृत्व मतलब नेतागिरी में नहीं करता, मतलब लीडर जो आगे आगे नई दिशा दे, ही लीडर, तो वो सारे कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए प्रोग्राम को लाया, यहाँ पर जाने से सारी बातें मालूम हो जाएगी। VANDITA.INDIAPROGRAMS इंडिया प्रोग्राम सब स्मॉल में प्रोग्राम्स नॉट प्रोग्राम प्रोग्राम्स @aspireleaders aspire leaders.org इसको खूब अच्छे से लिखे, मैं फिर से उनको रिपीट कर रहा हूँ, ये फॉरेन का है, +91 हाँ +91 96 11 64 13 21 www.aspireleaders.org। आप देख रहे हैं लोकल TV न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।